वहीं देहरादून में जनता कर्फ्यू के मद्देनजर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जनता कर्फ्यू में सुबह से ही घरों से बाहर लोग नहीं निकले हैं। कुछ जगहों पर बाइक, स्कूटी और कार पर दिखाई दिए हैं लोग, लेकिन वो लोग जिन्हें बहुत आवश्यक काम था। स्वास्थ्य विभाग, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों के अलावा सभी लोग अपने अपने घर में ही दिखाई दे रहे हैं। देहरादून के हर चौराहे पर, हर सड़क पर सन्नाटा ही सन्नाटा दिख रहा है। जो लोग निकल भी रहे हैं, बहुत आवश्यक हो रहा है तभी निकल रहे हैं, अदरवाइज सब लोगों की यही कोशिश है इस जनता कर्फ्यू को पूरी तरह से सफल बनाने की। सब लोग अपने अपने घरों में सुबह से आइसोलेटेड हैं। और आइए आपको दिखाते हैं देहरादून से रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा की एक खास रिपोर्ट। देहरादून में जनता कर्फ्यू का पूरा असर देखने को मिल रहा है। हर चौराहा, हर बाजार और हर मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसरा है। हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, ये धर्मपुर से रिंग रोड की तरफ सड़क जाती है और यहाँ पर ये जो चौराहा है, इस चौराहे पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इक्का दुक्का आ जा रहे हैं, लेकिन वो जो अपने काम से कोई निकल जा रहा है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है वही निकल रहा, नहीं तो दूर दूर तक सन्नाटा है। ये सड़क सीधी रिंग रोड की तरफ जाती है और अगर हम इस तरफ देखें तो ये डालन वाला और पूरा जो राजपुर रोड से आगे जाकर के मिलती है, ये फिर धर्मपुर और क्लॉक टावर, घंटाघर के इलाके के लिए चली जाती है और ये सामने धर्मपुर हरिद्वार रोड के लिए ये सड़क चली जाती है। ये बड़ा जो भीड़ भाड़ वाला चौराहा है, यहाँ अक्सर जाम भी लगता है, पुलिस सिक्योरिटी ट्रैफिक पुलिस को लगाना पड़ता है, यहाँ इतना ट्रैफिक रहता है, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं है। और दूसरे चौराहों के भी हमने दूसरी जगहों पर भी देखा है देहरादून में, तमाम जो जनता कर्फ्यू है वो एक तरीके से लगा हुआ है और जनता खुद ही अपनी मर्जी से इस कर्फ्यू को अंजाम दे रही है। किसी भी तरीके से लोग जो हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का जरूर लोग निकल रहे हैं। और जो नगर निगम ने सफाई की व्यवस्था की है, सैनिटाइजेशन की, वो तमाम अभियान चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। हमारे साथ ये एक साथी जुड़ रहे हैं, यहाँ से निकल रहे थे, हमने इनको रोका है। आज तो जनता कर्फ्यू, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी जोगी वाला से जो है डालन वाला जा रहा हूँ और कुछ इमरजेंसी काम था इसीलिए जा रहा हूँ, वरना तो सबको जो है रूल्स फॉलो कर रहे हैं पब्लिक। और यहाँ पे जो भी मतलब मैं अभी आ रहा था, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन मतलब मेरी कुछ इमरजेंसी थी इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो आप सुबह से घर में थे, परिवार के लोग घर पे हैं? सब घर पे हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। इवन जो खाद्य सामग्री है, जो दूध वाले हैं, उनको भी वापस भेजा है हमने कि मतलब इस तरीके से कोरोना चल रहा है तो बीमारी से बचने के लिए, और अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो सबको रूल्स फॉलो करने के लिए कहा है, तो देहरादून की आम पब्लिक जो है रूल्स को फॉलो कर रही है। आप अपना काम निपटा करके घर चले जाएंगे? जी बिल्कुल, घर चले जाएंगे, कोई रुकना नहीं है हमें, और हमें भी जो है कि प्राइम मिनिस्टर के रूल्स को फॉलो करना है। और आम जनता जो इस समय पीड़ित है, मतलब कुछ लोग जिनमें संक्रमण के पाए गए, तो मतलब ये चेन जल्दी से जल्दी टूट जाए और मतलब इसका जो है असर खत्म हो जाए। चलिए, हम भी कहेंगे आपसे कि आप अपना काम निपटा करके घर चले जाएं। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तो वो आवास पर हैं, अपने सारे मंत्री अपने आवास पर हैं, अधिकारी सारे अपने आवास पर हैं, यानी किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी ना तो पॉलिटिकल ना सोशली कोई किस तरीके की नहीं है। और यहाँ तक कि सारा बाजार बंद है, लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। जनता के द्वारा खुद के लिए, अपने लिए ये कर्फ्यू लगाया गया है और इसका पूरा असर देखने को देहरादून में मिल रहा है। फहीम तन्हा, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। लोग अपने घरों को सैनिटाइज कर रहे हैं, मुख्य द्वार को सैनिटाइज कर रहे हैं। अभी हम जैसे देख रहे हैं साहब, यहाँ पर अपने घर का दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा है, उसको शायद धो रहे हैं। किस चीज़ से आप ये कर रहे हैं सैनिटाइज? इसमें वो है, क्या नाम, डिटॉल है, उसे पानी में डाल के उसको हम फ्रेश कर रहे हैं। अंदर वाले में कर रहे हैं, अंदर कमरे में जितने भी नॉब्स हैं सब में कर रहे हैं। अच्छा, ये दरवाजे को सैनिटाइज करने है, इसका क्या फायदा है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि बाहर से कोई भी अंदर आ रहा है उसके हाथ में रहे तो अब फिर कोई दूसरा आदमी आ रहा है उसे स्प्रेड ना हो, इसके लिए कर रहे हैं। यानी घर का मुख्य दरवाजा ऐसा होता है कि कोई भी आता है, कई बार जो आपके यहाँ नहीं आ रहा होता, पड़ोसी के आ रहा होता है, पर वो नॉक करके कुछ चीज पूछता है या एड्रेस पूछता है। जैसे अखबार वाले ने अखबार डाला है और दूध वाला आ रहा है, कोई ना कोई आ रहा है, गैस वाला आ रहा है, तो इसलिए इसको करा जा रहा है। तो मैं रोज सुबह शाम तीन बार तो करते ही करता हूँ। आज जनता कर्फ्यू है, कहीं बाहर गए कोई? नहीं 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 नहीं, सुरक्षा जाने का मतलब ही नहीं है। हम लोग सुरक्षा नहीं करेंगे फिर कौन करेगा?
हम लोगों को सुरक्षा कर ली। क्या अभी ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, क्या इस तरह की बात देखने में आई क्या? ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर किसी को एसेंशियल जाना होगा तो वही जा रहा होगा, अदरवाइज कोई नहीं जा रहा है। दूसरों को क्या कहेंगे कि लोग अपने घर के दरवाजों को खुद भी सैनिटाइज़ करें? अगर हम सुरक्षा, अगर हम अपने को सुरक्षित रखेंगे तो दूसरा अपना भी सुरक्षित हो जाएगा, सिंपल बात है। ये तो कोई हवा में स्प्रेड तो कर नहीं रहा है, ये तो सरफेस में टच करने के बाद ही हो रहा है। यानी लोग अवेयर हो रहे हैं और इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि जिस तरह ये खतरनाक है कोरोना वायरस, उससे बचाव को लेकर के उतनी ही बहुत शिद्दत के साथ कोशिशें करने की ज़रूरत है। और लोग खुद तो कर ही रहे हैं, दूसरों को भी इस तरह का एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कोरोना की चेन है, संक्रमण की चेन है, ये आगे ना बढ़े और ये यहीं की यहीं रुक जाए। लोग इसमें अपनी पूरी जो सहयोग है, अपने जो तरीके हैं तौर तरीके हैं, चाहे उपाय हैं सावधानी के, वो बरत रहे हैं। फहीम तन्हा, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है।